जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज के सामाजिक और धार्मिक समाचार इस प्रकार हैं। पंजाब केसरी विजय वल्लभ सूरी समुदाय के गच्छाधिपति शांति परम पूज्याचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब, समुदाय वडल तप चक्रवर्ती आचार्य श्रीमद विजय वसंत सुरेश्वर जी महाराज साहेब, ज्ञान प्रभाकर भोले बाबा आचार्य श्रीमद विजय जयनंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब, सुकृत प्रवीण मुनिश्री जय कीर्ति विजय जी महाराज साहेब, कार्यदक्ष मुनि श्री मोक्षानंद विजय जी महाराज साहेब आदि थाना धर्म कमल हॉल दरेसी में चातुर्मा सेतु विराजमान हैं। इस मौके पर गुरुओं ने मंगल पाठ और प्रवचन किए। आज महाराज जी ने प्रवचन करते हुए कहा कि लोग दान देकर जब तक अपना नाम ना करवा लें तब तक उनका दान व्यर्थ है। आज के समय में इंसान जब दान करता है तो प्रभु की आस्था के लिए नहीं, सिर्फ अपना नाम करने के लिए दान करता है, जबकि जो लोग किसी को देते हैं वह कभी इस चीज़ को लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं होने देते। आज हमारे समाज में जो भी चीज़ों से हम वस्तुएं देती हैं, चाहे पेड़ पौधे हमें फल देते हैं, वह हमसे कभी कुछ नहीं मांगते। पर आज के समय में दान की परिभाषा बिल्कुल बदलती नजर आ रही है। आज के समय में दान इसलिए किया जाता है कि भगवान ने जो हमें दिया है, अगर हमारे पास इतना है कि हम दूसरों की भी सहायता कर सकें तो हमें दान करना चाहिए। पर आज के समय में दानी दान इसलिए करता है कि उसका दिया हुआ दान लोगों को पता लगे और सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए कि मैंने दान दिया है। जो दिखावे वाला दान होता है मैं सिर्फ अपनी हैसियत दिखाने के लिए दिया जाता है, और जो गुप्त दान करते हैं अपने दान को प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं करते। सही मायने में वही मानवता की सेवा के लिए कार्यरत है। इस मौके पर गुरुजी ने कई अन्य विषयों में अपने विचार व्यक्त किए। उपस्थित लोगों ने गुरुओं के प्रवचन सुनकर अपना जीवन सफल भी बनाया। हम थोड़ा दे करके भी और कितना चाहते हैं, कितना चाहते हैं। 10 रुपया दे करके 50 रुपए की तख्ती ना लगे तब तक चैन नहीं पड़ता। 10,000, 1,00,000, 5,00,000 रुपया भी यदि हमने दान कर दिया और 5 बार यदि हमारा नाम ना बोला जाए तो तब तक हमको चैन नहीं पड़ती। मेरा नाम कैसे रह गया, मेरा बहुमान कैसे रह गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा कैसे रह गया। उसी समय बाजू चुड़ा करके मैदान में, ये इंसान की फितरत। जो उसको मिला है वो भी परमात्मा की कृपा से मिला है, लेकिन व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने किया है, मेरा नाम, मेरी फोटो, मेरा बहुमान, मेरा अभिनंदन, मैंने ये किया है। और ये कुदरत के जितने भी करिश्मे हैं ये अपनी सेवाएं करते हैं मौन पूर्वक, मुख पूर्वक, इसलिए इनको देवता कहा गया है। हम देव के रूप में हैं या हम दानव के रूप में हैं, हमने देना सीखा या लेना सीखा। अभी तो हम नामेशना से, लोकेशना से, स्वार्थ से, प्रतिष्ठा से, अभी तो हम तो उससे ऊंचे नहीं उठ पाए। दान किसको कहा जाता है, दाता किसको कहा जाता है, ना देने वाले को पता लगे ना लेने वाले को पता लगे। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरविंदर सराना की रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। पूज्य गुरुदेव श्री आत्मश्रमण रतन तपोभूमि महानगर लुधियाना में श्रमण संघीय प्रथम पटधर आचार्य सम्राट पूजने श्री आत्माराम जी महाराज के पौत्र, शिष्य एवं राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य श्री मनोहर मुनि जी महाराज के सुशिष्य, दिन शासन स्वरूप वर्तक श्री पीयूष मुनि जी महाराज एस एस जैन सभा सिविल लाइन्स में चातुर्मा सेतु विराजमान है। पूज्य गुरुदेव श्री आत्मश्रमण रतन तपोभूमि महानगर लुधियाना में श्रमण संघीय प्रथम पटधर आचार्य सम्राट पूजने श्री आत्माराम जी महाराज के पौत्र, शिष्य एवं राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य श्री मनोहर मुनि जी महाराज के सुशिष्य, जिन शासन स्वरूप वर्तक श्री पीयूष मुनि जी महाराज एस एस जैन सभा सिविल लाइन्स में चातुर्मा सेतु विराजमान है। इस मौके पर गुरुओं ने मंगल पाठ और प्रवचन किए। आए हुए लोगों ने गुरुओं के मंगल पाठ और प्रवचन सुनकर अपना जीवन सफल बनाया। लुधियाना से कैमरामैन हनी के साथ अरविंद सराना की रिपोर्ट। आइए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। संथारा साधिका उपरिवर्तनी साध्वी रत्ना श्री स्वर्ण कांता जी के सुशिष्य, उत्तर भारतीय परिवर्तनी साध्वी रत्ना श्री सुधा जी महाराज के सुशिष्य, जन शासन पारसमणि श्री समता जी महाराज आदि ठाणे 8 मंगल में चातुर्मा सेतु एस एस जैन सभा 39 सेक्टर चंडीगढ़ और लुधियाना में विराजमान है, जहां उन्होंने मंगल पाठ और प्रवचन किए। संथारा साधिका उपरिवर्तनी साध्वी रत्ना श्री स्वर्ण कांता जी के सुशिष्य, उत्तर भारतीय परिवर्तनी साध्वी रत्ना श्री सुधा जी महाराज के सुशिष्य, जन शासन पारसमणि श्री समता जी महाराज आदि ठाणे 8 मंगल में चातुर्मा सेतु एस एस जैन सभा 39 सेक्टर चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है, जहां उन्होंने पाठ और प्रवचन किए। आज 39 सेक्टर में भव्य चतुर्मास के दिन लोगों ने गुरुओं का आशीर्वाद भी प्राप्त किया।
अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली बनतो धम्म मंगलम चतारी लोगुत्मा अरियंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली बनतो धम्म लोगुत्मा चतारी शरण पवज्जे अरिहंता शरण पवज्जे सिद्धा शरण पवज्जे साहू शरण पवज्जे केवली बनतो धम्मो शरण पवज्जे अरिहंत शरणा सिद्ध शरणा सब शरणा केवली कृपया दया धर्म का शरणा ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आचरण उसका जर अमर पद होगा उसका सदा इमं भगवान की। लुधियाना से कैमरामैन गुरुदेव के साथ अरविंद सराना की रिपोर्ट। अब बात करते हैं मिलावटखोरी पे। सेहत विभाग पुलिस और प्रोग्रेसिव डायरी फार्म्स की जॉइंट टीम ने नाभा इलाके में फैलते सफ़ेद जहर पर काबू करने को आज तीसरी जगह गांव दंदराला खरोड़ में हरपाल डायरी पर रेड कर मौके से सूखे दूध के दो थैले ग्लूकोज पाउडर के बैग रिफाइंड तेल और सिट्रिक बरामद कर सैंपल भर लैब में जाँच करने के लिए भेजे। ग्रामीणों और डेयरी फार्मिंग धंधे से जुड़े किसानों मुताबिक पिछले 12 साल से इस डेयरी में दूध का कारोबार चल रहा था। ग्रामीणों ने कहा कि हम जो पशु पालकर दूध का कारोबार कर रहे हैं नकली दूध के धंधे ने हमारा कारोबार चौपट कर दिया है और नकली धंधे से जुड़े लोग फल फूल रहे हैं। इस मौके पर जाँच के दौरान जब डेयरी मालिक से बातचीत की तब डेयरी मालिक ने साफ इनकार कर दिया कि हमारे यहाँ पे कोई भी नकली दूध का कारोबार नहीं चल रहा, लेकिन सूखा दूध ग्लूकोज बैग और तेल की मौजूदगी की वजह पर चुप्पी साध ली। मामले पर पुलिस टीम की अगुवाई कर रहे थाना भासु इंचार्ज हमनप्रीत चीमा मुताबिक सेहत विभाग और एनजीओ डेयरी पर रेड की है जहां एतराज योग सामान मिला है जिसके सैंपल जांच को भेज दिए गए हैं। जी तंदुरुस्त पंजाब मिशन अपने मानयोग सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई हेठ ते मानयोग साढ़े आई एस अफसर कान सिंह पन्नू की अगुवाई हेठ ये मिशन चलाया गया ता कि लोगों जीडिया खाण पीन दल शुद्ध आप मुहैया करा सकी। दिनों दिन बीमारियां बढ़ी आ रही ने टेक्नोलॉजी के अडल्ट्रेशन इन्नी है मिलावट हर चीज़ के हो रही है उस चीज़ को कंट्रोल करने के लोगों की लहर आ तो लोगों को अपील है भी सारे बदल के हिस्सा लो जिते थोड़ा लगता थोड़े सामने कोई मिलावटी समान बंदा बेच रहा बना जी धक्का कदों कर धक्का कदों कर जी मेरे नजायज़ दुध का कम नहीं है जी ये साडा सैंपल भराता जी साडा सैंपल जो थोड़े सामने यदि रिपोर्ट आऊगी देखिए मेरा काम सही है जो मेरा काम है जो कलेक्शन मेरी ये अज दंदराला खरौल रेड की है जी। हरपाल सिंह सानू भगवान सिंह की डेयरी से यद शक है भी ये कोई मतलब दुध वगैरह मिलावट करता जाली दुध तैयार करता तो इतने अज सारी असी सेहत विभाग की टीम नाल होर वलंटियर लैके रेड की है तो इतों कुछ इतराजयोग समान मिले दो थैले सुके दुध के उतो बाद ग्लूकोज का कुछ थैले है कुछ सिट्रिक हैगा नाल कुछ अपने घ्यो वाले है पीपे तो यहोजा इतराजयोग समान मिले वो असी सेहत विभाग की टीम नाल सैंपल भुला रहे हैं तो ये खिलाफ जिहड़ी बनती कानूनी कार्रवाई है सेहत विभाग नाल मिल के की। नाभा से रजेश बजाज की रिपोर्ट। आइए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। लुधियाना बरनाला रोड पर स्थित कस्बा महल कला में अशोक कुमार द्वारा सालाना विशाल लंगर भंडारा लगाया गया। यह लंगर हर साल संसार में सुख शांति मानवता के हेतु लगाया जाता है। कस्बे के लोग दुकानदार एसोसिएशन के लोग पूरा दिन लंगर में जी जान से सेवा करते हैं। लंगर शुरू होने से पहले पूजा एवं हवन आदि के बाद भगवान को प्रसाद लगाया जाता है, उसके बाद भंडारा शुरू किया जाता है। देर रात तक चलने वाले इस लंगर में इलाके के धार्मिक राजनीतिक और सामाजिक लोग अपनी अपनी हाजिरी जरूर लगवा कर जाते हैं। वहीं पर बीजेपी पार्टी के साबका मंडल प्रधान श्री कुलदीप मित्तल जी पूरा दिन लंगर में खूब सेवा करते हैं। झुग्गी झोपड़ों वालों के लिए वहीं पर जाकर खास तौर पर यहां लंगर बांटा जाता है। बरनाला से लक्षदीप गिल की रिपोर्ट। लुधियाना के डीसी दफ्तर यूनियन ने आज अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। लुधियाना के डीसी दफ्तर यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन। डीसी दफ्तर कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द ही माना ना जाए तो आने वाले समय में इस संघर्ष को हम और तेज करेंगे। इस मौके पर समूह डीसी दफ्तर कर्मचारी उपस्थित रहे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। संघ प्रधान डीसी दफ्तर यूनियन लुधियाना साढ़े दफ्तर की मेन मंग है भी
ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਪੋਸਟਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਣਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਭਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਟਿਆਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜੀ ਕਰਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਕੇ ਸਾਥ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਰਾਨਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਔਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਚਾਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, आइए बढ़ते हैं बाकी की समाचारों की ओर। लुधियाना में शिवसेना हिंदुस्तान एवं समूह धार्मिक संस्थाओं द्वारा लुधियाना DC और कमिश्नर को दिया गया मांग पत्र। लुधियाना में शिवसेना हिंदुस्तान एवं समूह धार्मिक संस्थाओं द्वारा लुधियाना DC और कमिश्नर को दिया गया मांग पत्र। इस मांग पत्र में जन्माष्टमी के पावन पर्व को देखते हुए यह मांग की कि जन्माष्टमी वाले दिन मांस मदिरा की दुकानें बंद की जाएं, क्योंकि यह पवित्र त्यौहार हमारे हिंदुओं का सर्वोच्च त्यौहार है। इस त्यौहार में समाज के हर वर्ग की आस्था जुड़ी हुई है। आज शिवसेना हिंदुस्तान लुधियाना इकाई के नेतृत्व के विच समूह संगठन समाज सेवी और धार्मिक संगठनों ने आज प्रशासन को मांग पत्र देने वास्ते आए हैं, जिस दे विच श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र दिहाड़े के उत्ते मांस ते मीट दीआं दुकानां ते पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, उसनों बंद करना चाहिए। दफा 144 का इस्तेमाल करके प्रशासन तो असं DC साहब तो और CP साहब तो मांग करते हैं कि मीट ते मांस की बिक्री बंद की जाए, ताकि जिहड़े श्री कृष्ण जन्माष्टमी के श्रद्धालु जन मंदिर मत्था टेकन जाते हैं उन्हां दी भावनावां आहत ना होन, और पूरे करोड़ों हिंदू समाज के जिहड़े श्रद्धालु है उन्हां दी भावनावां इहनां दे नाल जुड़ियां हुई हैं। असीं पुरजोर मांग करते हैं कि इस ते प्रतिबंध लगाया जाए। तमाम हिंदू समाज की तरफ से 3 सितंबर को जो कृष्ण जन्माष्टमी समारोह आ रहा है, उस दिन हमारी समूह सभी धार्मिक संबंधियों से अपील है कि अपने मांस मदिरा की दुकानें बंद रखी जाए, और इस शुभ कार्य में, इस शुभ महोत्सव में हमारे हिंदू समाज का संपूर्ण रूप से सहयोग दें, ताकि भाईचारा सदैव बना रहे। जय शनिदेव। आज शिवसेना हिंदुस्तान ते तमाम हिंदू संगठनों वक्-वक् जिदे विच विशेष तौर पर माँ कालका रक्त सेवा संघ, एक्शन अगेंस्ट करप्शन, शनिदेव स्थान संस्थान भामिया तो मैं सुरेश दुआ जी की अगुवाई के एक मंग पत्र जिहड़ा लुधियाना पुलिस कमिश्नर और DC लुधियाना सौंपया गया, जिस दे विच करोड़ों ही दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था के केंद्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पवित्रता को लैके उस दिहाड़े के उत्ते मांस ते मीट दी और नाल शराब की दुकाना जी बंद करन दी असीं मंग कीती है, क्योंकि करोड़ों ही हिंदुओं की जी आस्था का केंद्र है त्यौहार, और इस त्यौहार की पवित्रता को देखते हुए सानूं उम्मीद है कि प्रशासन अपना प्रशासनिक दायित्व निभाऊगा और इस दिन मीट मांस ते शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाऊगा। लुधियाना से कैमरामैन गुरदेव के साथ अरविंदर सराना की रिपोर्ट। लुधियाना से मनी महेश के लिए 5वें भंडारे के लिए संत समाज द्वारा सामग्री भेजी गई। लुधियाना से मनी महेश के लिए 5वें भंडारे के लिए संत समाज की तरफ से सामग्री भेजी गई। इस मौके पर आयोजकों ने बताया कि साधु संतों द्वारा इस भंडारे का आयोजन मनी महेश में किया जाता है, और हर साल यहाँ से मनी महेश के लिए भंडारे की सामग्री भेजी जाती है। जो पवन भंडारा मनी महेश जी के लिए जा रहा है, ये स्वामी जनकगिरि जी महाराज की आज्ञा अनुसार 5वां भंडारा जा रहा है। इसमें सभी संतों का और भक्तों का विशेष सहयोग है। हमारे साथ में महंत बाबा बेंतगिरि जी महाराज, महंत गिरि जी महाराज कुरुक्षेत्र से व अन्य संत भक्तजन पधारे हुए हैं। ये सभी रल मिल कर के महंत राजेश्वर गिरि जी के तत्वाधान में इस भंडारे को लेकर के जा रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि इसी तरह प्रतिवर्ष आए वर्ष हम इस भंडारे को और अधिक से अधिक लगाते रहेंगे। लुधियाना से कैमरामैन गुरदेव के साथ अरविंदर सराना की रिपोर्ट। लुधियाना के दाना मंडी में 3 दिवसीय यान फैब्रिक और एक्सेसरी ट्रेड शो 30 अगस्त से शुरू हो रहा है। लुधियाना के दाना मंडी विजन कम्युनिकेशन की तरफ से हौजरी के रॉ मटेरियल की बड़ी प्रदर्शनी 30 अगस्त से शुरू हो रही है। इस मौके पर भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां उपस्थित रहेंगी, और एक ही छत के नीचे लुधियाना वासियों को हर प्रकार के रॉ मटेरियल देखने को मिलेंगे।
और इसमें अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल्स की वराइटीज भी देखने को मिलेंगी। मेरा नाम विपुल रस्तोगी है। हमने यहाँ पे स्टॉल नंबर B7 कोटल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पार्टिसिपेट किया है। ये यान फैब्रिक एंड एसेसरीज शो है जिसमें नए नए डेवलपमेंट लेके हम सभी लोग आते हैं, डिस्प्ले करते हैं अपने प्रोडक्ट। और मेरी जितने भी यहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं और जो यहाँ पे गारमेंट से रिलेटेड हैं, मैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो यहाँ पे आएँ और आके नए नए प्रोडक्ट देखें और नए नए डेवलपमेंट लेके भी आएँ अपने साथ में, ताकि हमें कुछ नया करने का मौका मिले। ये एग्जीबिशन 3 दिन चलेगी, 30 तारीख, 31 अगस्त और 1 सितंबर। इस एग्जीबिशन का टाइम सुबह 10 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का है। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मेरी कंपनी का नाम विजन कम्युनिकेशंस है। हम पिछले 4 साल से दिल्ली में यान फैब्रिक एंड एक्सेसरी ट्रेड शो लगा रहे हैं। लुधियाना हिंदुस्तान का नंबर 2 ऐसी जगह है जहाँ पे निटेड और होजरी का सबसे बड़ा मार्केट है। तकरीबन 15,000 यूनिट्स हैं यहाँ पे, जो कि हिंदुस्तान की नंबर 2 आप कह सकते हैं। मेरा मानना यह है कि इतना बड़ा इंडस्ट्री होने के बावजूद आज तक यहाँ पे कभी रॉ मटेरियल का कोई एग्जीबिशन नहीं लगा जिसमें यान या फैब्रिक लगे। हम जो कि दिल्ली में लगा रहे हैं, लोगों से कनेक्टेड हैं, कंपनी से मिल से कनेक्टेड हैं, इसीलिए हमें ये दिमाग में ये थॉट आया कि भाई इस तरीके की चीज़ लुधियाने में ज़रूर होनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, नंबर 2 आप लोग का इंडिया का मार्केट है। ये उसी सोच के अंतर्गत हम यहाँ आपके शहर में आए हैं। हर बड़ी मिल को लेके आए हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, सनातन टेक्सटाइल्स को, बिलोसा इंडस्ट्रीज़ को, सियाराम को, अरिसुदाना को, वर्धमान को, ओसवाल वुलन मिल्स को, इंडोरामा को, हर बड़ी कंपनी आपको यहाँ मिलेगी। तो आप उनकी नई जो भी प्रोडक्ट रेंज है, आप आएँ एग्जीबिशन में, जो कि अगस्त 30 तारीख से 1 सितंबर 2018 तक दाना मंडी पे चल रही है और इसका सुबह से 10 बजे से स्टार्ट होकर शाम को 7 बजे तक रहेगी। तो आप आएँ, मैक्सिमम संख्या में नए प्रोडक्ट्स देखें आगे कंपनियों ने जो बनाए हैं आप लोगों के लिए। लुधियाना से कैमरामैन गुरदेव के साथ अरविंदस राणा की रिपोर्ट। लुधियाना के दरेसी में ऐसे धर्मकमल हॉल में मंगलमय चातुर्मास के अधीन गुरुओं की पावन मिश्रा में श्री समेत शिखर महातीर्थ महापूजन एवं यज्ञ हवन का आयोजन करवाया गया। लुधियाना के दरेसी एस एस धर्म कमल हॉल में मंगलमय चातुर्मास के अधीन गुरुओं की पावन मिश्रा में श्री समेत शिखर महातीर्थ महापूजन एवं यज्ञ हवन का आयोजन करवाया गया। इस मौके पर इस कार्यक्रम के लाभार्थी परिवार लाला रोशन लाल, महामनती जैन के वंश श्री इंद्रपाल जैन, श्रीमती नीलम जैन के पुत्र पुत्र वधु श्री राजेश जैन, अनु जैन, श्री रजनीश जैन, मोनिका जैन, नीतू जैन आदि समूह जैन परिवार वाले रहे। इस मौके पर उपस्थित भक्तों ने गुरुओं का पावन आशीर्वाद ग्रहण किया एवं समूह चतुर्मास कमेटी ने आए हुए भक्तों का आभार व्यक्त किया। लुधियाना सर्व मंगल चतुर्मास 2018 निश्रा प्रदाता परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब समुदाय वडील तप चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्रीमद विजय वसंत सुरेश्वर जी महाराज साहिब ज्ञान प्रभाकर भोले बाबा आचार्य भगवान श्रीमद विजय जयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब शासन रत्ना साध्वी प्रगुना श्री जी महाराज साहिब आदि साधु साध्वी वृंद के साधु साध्वी वृंद की पावन निश्रा के अंदर चतुर्मास हर्षोल्लासपूर्वक चल रहा है। अनेक तप जप अनुष्ठान लुधियाना के अंदर हो रहे हैं। लुधियाना का ये इतिहास है, ऐसे अनुष्ठान पहले कभी नहीं हुए हैं। आज यहाँ पर भूमिया जी अधिष्ठायक देव का होम हवन युक्त श्री समेत शिखर महातीर्थ पूजन यहाँ पर संपन्न हुआ परम पूज्य गच्छाधिपति जी के निश्रा के अंदर। और इस पूजन का लाभ लाला रोशन लाल मेहमावंती जैन परिवार के वंशज श्री इंद्रपाल राजेश कुमार रजनीश जैन राजेश जैन होशियारपुर वाले धर्म प्रायणा श्रीमती नीलम रानी जैन परिवार वालों ने इसका लाभ प्राप्त किया। और इसके साथ साथ यहां पर 125 समेत शिखर तप आराधक जिन्होंने एक व्रत एक व्यासना 40 दिन का तप ये कर रहे हैं वो लगभग पूर्ण होने वाला है। उसी उपलक्ष्य के अंदर पूर्णाहुति के अंदर आज का ये पूजन समेत शिखर महातीर्थ पूजन यहां पर पढ़ाया गया। और ये सारा पूजन का लाभ लाला रोशनलाल जी परिवार से अपना धर्म प्रिय श्री इंद्रपाल जी की पुत्र वधु धर्म प्रायणा श्रीमती मोनिका जैन जिन्होंने मास्क शमन महामृत्युंजय तप किया है उस तप के उपलक्ष्य के अंदर आज ये परिवार ने यहाँ पर परम पूज्य गच्छाधिपति जी के निश्रा के अंदर पूजन पढ़ाया है। और सब ने यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ भावोल्लास के साथ सुबह से ये पूजन 9:30 बजे शुरू हुआ है, लगभग 3:15 बजने को हैं। सभी आराधकों ने
सभी आराधकों ने पूरी भक्ति के साथ सांवलिया पार्श्वनाथ की भक्ति की है, भूमिया जी की भक्ति की है, और लाला रोशनलाल जी का परिवार एक ऐसा परिवार है जो शुरू से ही सम्मेद शिखर तीर्थ के प्रति अपनी अटूट भक्ति आस्था रखता है, और आज उन्होंने इस भक्ति का एक छोटा सा दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत करके सभी भक्तों को जगाया है, और सम्मेद शिखर यात्रा की सम्मेद शिखर की भाव यात्रा और कराते हुए और यहाँ से एक ऐसा अनूठा आयोजन किया है जो हमेशा हमेशा के लिए चिरस्मरणीय रहेगा, याद रहेगा। मैं आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत की ओर से, श्री आत्मानंद चतुर्मास महासमिति की ओर से पूरे परिवार की हार्दिक अनुमोदना करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ में सभी तपस्वियों का, सम्मेद शिखर तप के लगभग 125 तपस्वियों का सुख साता पूछता हूँ, महासमिति की ओर से, महासभा की ओर से, परिवार की ओर से, विशेषतः धर्मप्रायणा मोनिका जैन जो कि जिन्होंने सम्मेद शिखर तप प्रारंभ किया, पहले वासुदेव की टूंग से पूजा की, लेकिन तप के अंदर इतना आगे बढ़ गई और पूरा तप उन्होंने मास्क शमन के साथ पूरा किया है, ऐसी मोनिका जैन के लिए सकल श्री संघ की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अनुमोदना। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरविंदर सराना की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं अभिनंदन कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ और नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। आप यूं ही देखते रहिए आत्मा चैनल। जय जिनेंद्र।